सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो नया शहर, नई जगह और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी को लेकर आ चुका हूं मैं मनाली। बहुत सुंदर शहर है, बर्फीला एरिया है दोस्तों। आज इसी के ऊपर आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और आपको बता दूँ कि ये पहाड़ी काट काट कर दोस्तों ये रोड को एक सिंगल रोड से डबल रोड बनाई जा रही है, जो कि बहुत ही सुंदर रोड है, देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों के कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है यहाँ से। और पहाड़ों के ऊपर दोस्तों टनल बनाई जा रही है और पहाड़ काट काट कर दोस्तों रोड को चौड़ा करने का काम किया जा रहा है, यानी कि सिंगल लेन से इसे फोर लेन का बनाया जाए। तो देख सकते हो ये है टनल जो कि काफ़ी पुरानी है दोस्तों। दूसरी टनल देख सकते हो ये है सामने, चमक रही है। तो पहाड़ों के नीचे से सुरंग कर कर के दोस्तों और इसमें टनल बनाई गई हैं, तो वो भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और अगले वीडियो में आप सभी को अटल टनल भी दिखाएंगे। तो आप बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो टनल ही टनल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा मनाली शहर के अंदर, यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। और आपको बता दूँ ये रोड बना रही है फोर लेन की रोड बनाई जा रही है दोस्तों, सिंगल लेन। तो आपको बता दूं कि मनाली से लेकर और ये चंडीगढ़ के बीच में दोस्तों फोर लेन हाईवे बनाया जा रहा है, जो कि बीच बीच में बन भी चुका है। जहाँ जहाँ टनल कंप्लीट हो गई है वहाँ वहाँ बन भी चुका है। तो अभी देखो ये सिंगल रोड है, डबल देखो इधर बनाई जा रही है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत के चैनल पर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो ये किस तरीके से टनल बनाई गई हैं और किस तरीके से इन पर तेज़ी के साथ में दिन रात काम चल रहा है दोस्तों। पब्लिक का आना जाना हो पा रहा है। और आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा अगर जाम जूम मिलेगा तो वो मनाली शहर के अंदर मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहीं पर होता है दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मनाली के अंदर आते हैं, मनाली शहर में आते हैं दोस्तों। और आपको बता दूं सबसे ज़्यादा यहाँ क्या देखने के लिए, बस बर्फ़ देखने के लिए मिलती है एक्टिविटी। देख सकते हो ये टनल बनाई जा रही है दोस्तों, काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में। इधर भी बनाई जा रही है और इधर भी बनाई जा रही है, और फोर लेन हाईवे निकाला जा रहा है ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। और दोस्तों रास्ते भी तो आपको क्या ही बताएं, देख सकते हो टनल बनाने का काम चल रहा है। दो दो टनल एक साथ बनाई जा रही हैं पहाड़ काट काट का। जो मनाली के अंदर जो सबसे बड़ी टनल है दोस्तों वो है अटल टनल, 9.5 किलोमीटर की ये टनल, और मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था 2019 में किया था शायद। तो देख सकते हो अभी रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, तो इसी वजह से ये टूटा हुआ मिलेगा आप सभी को। तो पहाड़ काटने के बाद में दोस्तों दिन रात काम चल रहा है। पहाड़ काटना एक मुश्किलों भरा चैलेंजिंग काम होता है दोस्तों, इतने ऊंचे पहाड़ को काटना फिर उस पर रोड निकालना दोस्तों। और ऐसा आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि बिल्कुल प्लान एकदम रोड बनाया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक साइड का तो बन चुका है, दूसरी साइड पर देखो ये बनाया जा रहा है। इसी तरीके से फोर लेन हाईवे ये बनाया जा रहा है चंडीगढ़ टू मनाली दोस्तों। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या चाहिए दोस्तों। और देखो गाज़ियाबाद से और मैं मनाली जाकर आप लोगों को ये वीडियो शूट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। देख सकते हो ये जिसे भी मशीन लग रही है पहाड़ को काटा जा रहा है। अभी सिंगल रास्ता है, देख सकते हो काफ़ी जगह तो ये डबल रोड हो चुकी है, मतलब फोर लेन बन गया। ट्रक से ये खड़े हुए हैं, ये मलबा देखो ये पड़ा हुआ है, देखो ये लगी हुई है जेसीबी मशीन, इस मलबे को हटाया जा रहा है। मलबे हटाए जाने के बाद में दोस्तों देख सकते हो ये पहाड़ काटने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर दोस्तों, क्योंकि ये सिंगल लेन से फोर लेन में ये डाइवर्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हो आप लोग कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में दोस्तों। और हम मनाली से अब चल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, तो उसी रास्ते में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। पहले ये मलबे को हटा रहे, जितना तोड़ लेते हैं फिर मलबे को हटा देते हैं, मलबा हटाने के बाद में फिर इसकी
कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं, पहाड़ की कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया और बताया जाए मनाली शहर में किस तरीके से रोडों को बनाया जा रहा है, किस तरीके से टनल बनाई जा रही है दोस्तों, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, वॉच करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस करो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। देख सकते हो ये जेसीबी मशीन लगी हुई है दोस्तों, पहाड़ को काट काट कर ये रास्ता चौड़ा किया जा रहा है दोस्तों, 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है इस टाइम पर बहुत तेजी के साथ में। और मोदी सरकार के राज्य में तो आपको पता ही है दोस्तों कि किस तरीके से रोडों का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। और नीतीश गडकरी साहब भी लगे पड़े हैं दिन रात, देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। सारे में ही आप लोगों को जेसीबी देखने के लिए मिलेंगे, पहाड़ों की कटाई करी जा रही है, पहाड़ों को काट काट कर ये 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है। तो उसी का कंस्ट्रक्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा केपी संत चैनल पर दोस्तों, जो कि पहली बार ये वीडियो किसी ने डाला है तो मैं डाल रहा हूँ इस चैनल पर दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाओ और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके दिखाओ, कमेंट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप लोगों को अगर ये वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस पहाड़ों से रिलेटेड मैं आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं ये सारे पहाड़ अभी काटे जाने हैं, जैसे कि पीछे काटे जा रहे हैं तो वैसे ही काटे जा रहे हैं तेज़ी के साथ में दोस्तों। अभी सिंगल रोड है क्योंकि बगल में ये क्या है, ये नहर जा रही है, जो बर्फ़ का पानी आ रहा है ऊपर से वो जा रही है साइड से, मेरे राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड पे ये सारे पहाड़ काटे जाने हैं दोस्तों क्योंकि इसमें 4 लेन हाईवे पीछे देखा आप सभी ने कि किस तरीके से पहाड़ को काट काट कर रोड चौड़ी की जा रही है, 4 लेन हाईवे निकाला जा रहा है। देख सकते हो ये सारे पहाड़ काटे जाने हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन
देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर जेसीबी और क्रेन मशीन आप लोगों को काम करते हुए नज़र आएंगे दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर देखो ये क्रेन मशीन खड़ी हुई है जो कि इसे पहाड़ को तोड़ने का काम कर रही है। देखो ये बनाए गए हैं नहीं बनाए गए हैं, और इसी तरीके से इस पर वर्क चल रहा है मनाली के अंदर दोस्तों, जो कि चंडीगढ़ जाकर निकलेगा दोस्तों। तो आगे आगे देखो आप लोगों को और अच्छा कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, तेज़ी के साथ में हो रहा है दोस्तों। देख सकते हो वो दीवार हटा दी गई है, यहाँ पर देखो ये मिट्टी की लेवलिंग करने के बाद में अब इसको ऊपर का लेवलिंग किया जा रहा है, पड़ा पहाड़ को हटाते जा रहे हैं और उस पर दीवार खड़ी करते चले जा रहे हैं ताकि ये पहाड़ खिसक ना पाए। वो खिसकेगा तो वहाँ से ये मिट्टी हटा लेंगे, तो इसी वजह से वहाँ पर ये पहाड़ को काट के फिर दीवार खड़ी कर दी जाएगी पहाड़ की साइड में, और रोड को थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है। तो ये नीचा रहेगा ये वाला जिसमें ये ट्रक आ रहा है, और ये लेफ्ट वाला ये थोड़ा ऊँचा रहेगा दोस्तों। तो आपको बता दूँ दो लेन ये हो जाएंगे और दो लेन अंदर हो जाएंगी, तो फोर लेन हाई एक्सप्रेस वे ये बन जाएगा दोस्तों, मनाली टू चंडीगढ़। देखो काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में गाइस, आप सभी को देखने के लिए मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है। पहाड़ों को काटा जा रहा है, फोर लेन हाईवे निकाला जा रहा है, बीच बीच में तो बन चुका है दोस्तों, और बाकी ये जो मेन सिटी है वो बचा हुआ है। देख सकते हो ये पहाड़ तोड़ा है किस तरीके से, तोड़ने के बाद में अब इसका जो मलबा है वो ट्रकों द्वारा उठाया जा रहा है। देखो ये बना रहे हैं ना रोड, ये देख सकते हो तस्वीरें। तो इसी तरीके से इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों, और आने वाले टाइम में दोस्तों आपको बता दूं कि चंडीगढ़ टू मनाली तक ये फोर लेन एक्सप्रेसवे बन जाएगा दोस्तों, फोर लेन हाईवे कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो ये जेसीबी लगी हुई हैं दो दो, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किस तरीके से चल रहा है, पहाड़ को काट काट कर। देखो ये रोड ऊंची हो गई ना, होगी ये ऊंची रहेगी ये नीची रहेगी, क्योंकि जो इसका पत्थर है वो तो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, जो इसका मलबा वो यहीं दबाते चले जा रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को अभी बहुत कुछ आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। देख सकते हैं एक जेसीबी ये सामने लगा हुआ है जो कि पहाड़ का जो मलबा है पहले काट दिया, काटने के बाद में जो मलबा है उसको उठाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। पत्थर पत्थर हैं वो, जो मोटे मोटे पत्थर हैं वो उठाते लेते हैं, और जो नीचे का जो मलबा बचता वो इस रोड में बिछाते हुए चले जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि कंक्रीट की लेयर बिछाने की ज़रूरत है नहीं, कि फिर तो इस पर ब्लैक टॉप कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर वर्क चलता हुआ, देखो जेसीबी ये खड़ी हुई है, ट्रक्स ये खड़े हुए हैं जो इसके मलबे को उठाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। एक ये देखो इधर बन गया, ऊपर भी बन रहा है, देख सकते हो किस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। आप लोगों को मजाक लग रहा होगा लेकिन बहुत तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मनाली शहर के अंदर दोस्तों, यानी कि हिमाचल प्रदेश में मनाली और कुल्लू के बीच में ये फोर लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही बस ऊंचा नीचा होगा पहाड़, बाकी बिल्कुल प्लान एकदम गाड़ियां फर्राटा भरेंगी दोस्तों, क्योंकि कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आप लोग देखना मेरे ब्लॉग चैनल पर जो कि है KK4U के नाम से, तो उस पर आप लोग देखना, उस पर सारे ब्लॉग्स मनाली के देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर भी विजिट करो और देखो जाके दोस्तों। मैं फैमिली ब्लॉग बनाता रहता हूँ और घूमने फिरने के ब्लॉग भी उस चैनल पर आते रहते हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो उस चैनल पर, और मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखाता और बताता रहूँगा। और कंस्ट्रक्शन का चैनल ये वाला है जिस पर आप लोग देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो तो इस पर आती हैं, और ब्लॉग चैनल मेरा दूसरा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जाओ और लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देख सकते हो ये पहाड़ काट दिया, काटने के बाद में देखो ये गाटर रखा हुआ है, इस गाटर को भी लॉन्च किया जाएगा, वो कहाँ किया जाएगा वो भी आप लोग बने रहो बस ब्लॉग के साथ में, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो टू लेन का इधर हो गया, टू लेन ऊपर हो जाएगा, फोर लेन हो गए नहीं हो गए, तो यही वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत तेज़ी के साथ में।
तो ये जब ये एक्सप्रेस वे फोर लेन का हो जाएगा तो फिर जाम से निजात पा ली जाएगी दोस्तों। देखो जैसे इस तरीके से ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इधर भी बन गया और इधर भी देखो ये रोड बनाई जा रही है, नहीं बनाई जा रही है। तो सिंगल ये है और डबल ये होने वाली है मेरे लेफ्ट वाली। और देखो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप किया जा रहा है अभी इस टाइम पर, तस्वीर आप लोग देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से यहाँ मनाली शहर में ये फोर लेन हाईवे बनाया जा रहा है, वो आप लोगों ने देख ही लिया किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। देखो ये डिवाइडर है बीच का, है नहीं है, इधर भी वाहन चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं। तो इसी तरीके से ये बना दिया जाएगा, बिल्कुल ही हाई फाई रोड बनाया जाएगा, बहुत अच्छा वाला, बहुत सुंदर वाला जिसे कहते हैं। देखो ये ब्लैक टॉप बिछाया जा रहा है, नहीं बिछाया जा रहा है दूसरी लेन पे, तो दो लेन इधर हो जाएंगी, दो लेन उधर हो जाएंगी, तो फोर लेन हो जाएगा। और ये सामने आप लोगों को टनल देखने के लिए मिलेंगी दो दो, एक अप के लिए एक डाउन के लिए दोस्तों, देख सकते हो। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। मैं आप